हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट विथ चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट विथ चिल्ड वाटर सिस्टम में चार बेसिक साइकिल होती है। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल, सेकेंड होती है कंडेंसर वाटर साइकिल, थर्ड होती है चिल्ड वाटर साइकिल और फोर्थ होती है एयर साइकिल। अब हम एक एक करके देखेंगे ये चारों साइकिल सिस्टम में किस तरीके से काम करती है। शुरुआत करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल से। रेफ्रिजरेशन साइकिल के चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कंप्रेसर, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, एक्सपांशन वॉल एंड शेल एंड ट्यूब टाइप चीलर। कंप्रेसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन से उसे भेजता है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में। जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर के शेल साइड में आता है। कंडेंसर में दो पार्ट होते हैं, एक शेल साइड और दूसरा होता है ट्यूब साइड। कंडेंसर के ट्यूब साइड में पानी होता है और कंडेंसर के शेल साइड में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। कंडेंसर के ट्यूब में पानी का टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से कम होता है, जिसके कारण ट्यूब का पानी वेपर रेफ्रिजरेंट की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद वेपर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड लाइन से आता है एक्सपांशन वॉल में। एक्सपांशन वॉल का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना। रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट चीलर के ट्यूब साइड में जाता है। चीलर के दो हिस्से होते हैं, एक ट्यूब साइड और दूसरा शेल साइड। चीलर के शेल साइड में पानी होता है और चीलर के ट्यूब साइड में लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से कम होता है, इसके लिए लिक्विड रेफ्रिजरेंट पानी की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। पानी की गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद चीलर में पानी ठंडा हो जाता है और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है पानी की गर्मी को एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होने के बाद ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में सक्शन लाइन से वापस आ जाता है और यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होती है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में सेकंड साइकिल होती है कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल के मेन पार्ट होते हैं कंडेंसर वाटर पंप, कंडेंसर और कूलिंग टावर। कंडेंसर वाटर पंप कूलिंग टावर का ठंडा पानी सक करके उसको कंडेंसर के ट्यूब में भेजता है। कंडेंसर के ट्यूब में कूलिंग टावर का ठंडा पानी होता है और शेल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। ट्यूब का ठंडा पानी कंडेंसर के रेफ्रिजरेंट की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाता है, लेकिन जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। पानी को ठंडा करने के लिए कंडेंसर ट्यूब में से पानी आगे निकल के जाता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर कंडेंसर के पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली कूलिंग टावर टेरेस पे या ओपन स्पेस में लगाया जाता है जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ एयर होता है। कूलिंग टावर में जाने के बाद में इस पानी को स्प्रिंकल करते हैं। स्प्रिंकल करने के बाद में इस पानी का कॉन्टैक्ट हवा के साथ में होता है, जिससे कि पानी ठंडा हो जाता है। ये ठंडा पानी कूलिंग टावर के सम में जमा हो जाता है और कूलिंग टावर सम में से ये पानी फिर से कंडेंसर वाटर पंप से कंडेंसर में सर्कुलेट किया जाता है और इस तरीके से कंडेंसर वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में नेक्स्ट साइकिल होती है चिल्ड वाटर साइकिल। चिल्ड वाटर साइकिल के मेन पार्ट होते हैं चिल्ड वाटर पंप, एयर हैंडलिंग यूनिट, एक्सपांशन टैंक और शेल एंड ट्यूब टाइप चीलर। चीलर का ठंडा पानी चिल्ड वाटर पंप सक करके उसको भेजता है एयर हैंडलिंग यूनिट के कूलिंग कॉइल में। एयर हैंडलिंग यूनिट के कूलिंग कॉइल में ठंडा पानी होता है और जब एयर हैंडलिंग यूनिट का ब्लोअर चलता है तो ये ब्लोअर एच रूम की रिटर्न एयर को सक करता है। रिटर्न एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कूलिंग कॉइल में पानी का टेम्परेचर कम होता है। कूलिंग कॉइल का पानी रिटर्न एयर की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि रिटर्न एयर ठंडी हो जाती है और उसको आगे भेजा जाता है। जब कूलिंग कॉइल का पानी हवा की गर्मी को खींचता है तो कूलिंग कॉइल के पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और इस पानी को फिर से चीलर में ठंडा होने के लिए भेजा जाता है। ये जो पानी है ये चीलर के शेल साइड में आता है। चीलर के ट्यूब साइड में लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से कम होता है, जिससे
ट्यूब का रेफ्रिजरेंट शेल के पानी से गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और शेल का पानी ठंडा हो जाता है, और ये ठंडा पानी फिर से चिल्ड वाटर पंप से AHU के कूलिंग कॉइल में जाता है। चिल्ड वाटर साइकिल में और एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपांशन टैंक। जब चिलर में पानी ठंडा हो जाता है तो पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है। पानी का वॉल्यूम कम होने से चिलर को और पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये पानी एक्सपांशन टैंक से चिलर को प्रोवाइड किया जाता है और इस तरीके से चिलर की पानी की कमी पूरी की जाती है। जब हम प्लांट को बंद करते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब चिलर का पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी का वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ वाटर। और इस एक्सपांड हुए पानी को ठहरने के लिए फिर से इस लाइन से उसको एक्सपांशन टैंक में भेजा जाता है और यहाँ पे चिल्ड वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में नेक्स्ट साइकिल होती है एयर साइकिल। एयर साइकिल के मेन पार्ट होते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, सप्लाई एयर डक्ट, सप्लाई एयर डिफ्यूज़र, एयर कंडीशनिंग रूम, रिटर्न एयर डिफ्यूज़र, रिटर्न एयर डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट और AHU रूम। जब मोटर चलती है तो मोटर से AHU का ब्लोअर घूमना शुरू करता है। AHU का ब्लोअर AHU रूम की रिटर्न एयर को सक करता है। रिटर्न एयर सबसे पहले AHU के फिल्टर में से पास होती है जहाँ पे हवा में से डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद ये हवा कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आती है। कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर हवा के टेम्परेचर से कम होता है जिसके वजह से हवा ठंडी हो जाती है और इस ठंडी हवा को बाद में हम भेजते हैं ब्लोअर में। ब्लोअर हवा का प्रेशर बढ़ाने का काम करता है और ब्लोअर से हवा चली जाती है सप्लाई एयर डक्ट में। सप्लाई डक्ट का काम होता है एयर हैंडलिंग यूनिट से ठंडी हवा को एयर कंडीशनिंग रूम तक पहुंचाना। सप्लाई डिफ्यूज़र का काम होता है हवा को रूम में फैलाना, और रूम में फैलाने के बाद में ये ठंडी हवा एयर कंडीशनिंग रूम से गर्मी को एब्जॉर्ब करती है जिससे कि हवा का टेम्परेचर बढ़ता है। इसके बाद ये हवा रिटर्न एयर डिफ्यूज़र में से रिटर्न एयर डक्ट में से वापस एयर हैंडलिंग यूनिट के रूम में आ जाती है। एयर हैंडलिंग यूनिट में जब ये हवा आती है AHU रूम में जब हवा आती है तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक फ्रेश एयर डक्ट लगा होता है। फ्रेश एयर डक्ट बाहर से फ्रेश एयर को सक करके AHU रूम में लेके आता है और फिर रिटर्न एयर और फ्रेश एयर का मिक्सचर वापस चला जाता है एयर हैंडलिंग यूनिट में और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।